आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एक मशरूम किसान एवं मास्टर ट्रेनर झांसी से, आज आपको मैं एक बार फिर से पुनः मशरूम से संबंधित एक बहुत अच्छी जानकारी मैं देना चाहता हूं अपने माध्यम से, ताकि जो हमारे नए ग्रोवर्स हैं वो समझ सकें कि हम मशरूम को किन किन चीज़ों पर ग्रो कर सकते हैं या उगा सकते हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो पराली प्रबंधन पर चल रहा है, और पूरा शासन प्रशासन किसानों के खेतों में जा जाकर छापामार कार्रवाई कर रहा है एवं किसानों को अवगत करा रहा है कि आप खेत में आग ना लगाएं। तो पराली पर तो मशरूम का उत्पादन बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन पराली के अलावा भी अगर हम किसी चीज़ पर मशरूम को ग्रो कर सकते हैं तो वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हम मशरूम का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इस बार जो मशरूम का सफल उत्पादन किया है वो हमने किया है मक्के के बेस्ट पर। मक्के के बेस्ट पर यानी कि जो मक्का हम खाकर फेंक देते हैं, जिसका बचा हुआ हिस्सा हम खाकर फेंक देते हैं, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये मक्के के बचे हुए अवशेष हैं, ये मक्के के बचे हुए अवशेष हैं, इन पर भी हम मशरूम को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी, या जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन वेस्टेज पर भी हम मशरूम को, ऑयस्टर मशरूम को आसानी से उगा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये ऑयस्टर मशरूम का एक पैकेट है छोटा सा जो हमने ट्रायल पे लगाया था। फंगस आप देख सकते हैं कितनी अच्छा माइसिलियम इसमें बना है, पिनेट्स भी आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पर, और ये मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी, फ्रेश मशरूम की पूरी फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि इसमें मक्के का बेस्ट और मक्के की पत्तियाँ, यानी कि मक्के का जो पौधा होता है उस पौधे की पत्तियों को सुखाकर हमने इसको इस्तेमाल किया है, और इसमें लगभग 17 से 18 दिन में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 18 दिन में हमें ये मशरूम लगाने के बाद हमें प्राप्त हो चुका है। तो आपको दिख रहा होगा कितना शानदार ये मशरूम इसमें ग्रो हुआ है। तो ऑयस्टर मशरूम एक ऐसी मशरूम की प्रजाति है जिसको हम किसी भी सूखे हुए अवशेष पर आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ हैं कई सारे लोगों के माध्यम से लोगों में फैला दी जाती हैं कि मशरूम का उत्पादन केवल गेहूं के भूसे में होता है, पराली में होता है, बाकी किसी चीज़ पर नहीं हो सकता है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है, और मैंने आपको आज बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि मक्के के अवशेष पर भी हम मशरूम को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद।